ज्वाला स्वरूप योग, योग की सबसे पावरफुल स्टेज है जहां आत्मा के पाप कर्म बहुत तीव्र गति से नष्ट होते हैं। इस योग में आत्मा परमात्मा के स्वरूप पर पूरी तरह एकाग्र हो जाती है। उसे ना तो समय का ना स्वयं का आभास होता है। इस योगाभ्यास के लिए संपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से एकाग्र करें और इस योग अभ्यास के माध्यम से अपने आप को पवित्र करें। संपूर्ण एकाग्रता अपने आत्म स्वरूप पर सब तरफ से मन और बुद्धि को हटाकर अपने आप को देखें। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में परमात्म शक्तियों का तेज समाया हुआ है। मैं परमात्म लगन में मगन रहने वाली एक तपस्वी आत्मा हूँ। भौतिक देह और दुनिया के सर्व आकर्षण से परे हूँ, न्यारी हूँ, मैं अपने आत्म स्वरूप पर पूरी तरह एकाग्र हूँ। मुझ आत्मा में
परमात्म प्रेम की लगन है। बस परमात्म प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। मेरा संसार मेरा बाबा है। मैं आत्मा उसकी याद में देह और दुनिया को भूल चुकी हूँ। मेरे मन में मेरे चित में बस बाबा ही समाया हुआ है। मैं परमात्म लगन में मगन हूँ। धरा मिल रही ये जहाँ है,
गगन से भरा मिल रही ये जहां है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग, हंसते गाते संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद मैं मगन हो पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा से मिलन मनाने परम धाम में आ गई हूँ। मुझ आत्मा को यहाँ आकर बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। परम शांति का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं शांति के सागर के समीप उसकी लहरों में समा चुकी हूँ। असीम शांति का एहसास मेरा चित पूरी तरह शांत हो चुका है। एक अलौकिक अनुभूति
मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा को अपने सामने देख रही हूँ। आज बाबा का स्वरूप बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। हजारों सूर्यों से तेजोमय, बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणें निकल रही है। मैं आत्मा पूरी एकाग्रता से बाबा को देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा को अपने अंदर खींच रही है। मैं आत्मा इन शक्तिशाली किरणों के तेज से उनके अंदर खींची जा रही हूँ। मैं बाबा की ज्वाला स्वरूप शक्तियों के अंदर समा गई हूँ। ये परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा के ऊपर चढ़ी विकारों की परत को समाप्त कर रही हैं।
अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर से काम विकार की 63 जन्मों की मोटी परत बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से जल कर नष्ट हो रही है। मैं आत्मा इस विकार से पूरी तरह मुक्त हो रही हूँ। मैं संपूर्ण एकाग्रता से बाबा के स्वरूप को और उनकी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों को देख रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान बाबा के शक्तिशाली स्वरूप पर है। ये परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से पवित्र हो रही हूँ। काम जीत जगत जीत बन रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से
इस विकार से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। त्रेसठ जन्मों की मोटी परत मुझ आत्मा से समाप्त हो चुकी है। बाबा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। ये परमात्म शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर से क्रोध विकार की जन्म जन्मांतर की परत को समाप्त कर रही है। बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से क्रोध विकार की परत समाप्त हो रही है। मैं आत्मा संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त हो रही हूँ। मैं पूरी एकाग्रता के साथ स्वयं में परमात्म शक्तियों को समाते हुए अनुभव कर रही हूँ। बाबा की शक्तियों का तेज लेजर किरणों की तरह मुझ आत्मा से एक एक विकार को समाप्त कर रही है। मैं आत्मा बेदाग हीरा बन रही हूँ। मैं स्वयं को
पूरी तरह क्रोध से मुक्त महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर से क्रोध विकार का अंश वंश पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मैं स्वयं को बहुत हल्का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा तप की ज्वालाएं मुझ आत्मा में जल रही है। मैं आत्मा निखरती जा रही हूँ। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता,
प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, 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 तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। मेरा मन संपूर्ण रूप से बाबा के स्वरूप पर एकाग्र है। ये परमात्म ज्वालाएं मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही हैं। परमात्म शक्तियों का अविरल प्रवाह मेरे अंदर हो रहा है। मुझ आत्मा के अंदर से लोभ विकार परमात्म शक्तियों के प्रभाव से समाप्त हो रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ जन्म जन्मांतर की लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति नष्ट हो रही है। मेरे अंदर दिव्य संस्कारों का उदय हो रहा है। बाबा के सानिध्य से मुझ आत्मा के अंदर दान वृत्ति जागृत हो रही है। मैं स्वयं को बाबा के बहुत समीप और उसकी तेजस्वी किरणों से स्वयं को एक एक विकारों से मुक्त कर रही हूं। परमात्म ज्वालाएं मुझ आत्मा के अंदर उसे लोभ विकार को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। मैं आत्मा स्वयं को इस विकार से मुक्त
तो देख रही हूं। मेरे अंदर दान वृत्ति पूरी तरह से जागृत है। मैं महादानी आत्मा हूं। निर्लोभी दाता की संतान, सबको देने वाली, सबका भला करने वाली, मैं आत्मा संपूर्ण रूप से अपने अंदर परमात्म शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। अब मुझ आत्मा में व्याप्त जन्म जन्मांतर के मोह विकार के फैले हुए जाल को बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणें जला रही है। मैं स्वयं के अंदर परमात्म शक्तियों को पूरी एकाग्रता के साथ अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा का जहां जहां लगाव है, मोह है, बाबा की शक्तिशाली किरणें उस मोह की रग को, मोह के सूक्ष्म धागों को खींच खींच कर जला रही है। तरफ से मुझ आत्मा का मोह समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा निर्मोही बनती जा रही हूं। देह और देह की दुनिया से पूरी तरह मेरा मोह समाप्त हो चुका है।
मैं बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से पूरी तरह निर्मोही हो चुकी हूँ। मेरे अंदर निस्वार्थ प्रेम जागृत हो गया है। सबके प्रति आत्मिक प्रेम परमात्म प्रेम मुझात्मा के अंदर भर गया है। मैं पूरी तरह मोह विकार से मुक्त प्रेम स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। मैं बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। मुझात्मा को बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है। मैं मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा आज मुझ आत्मा को पूरी तरह हर विकार से मुक्त कर रहे हैं। परमात्म ज्वालाएं मुझ आत्मा के अंदर व्याप्त अहंकार को समाप्त कर रही है। अहंकार सबसे आखिरी परत जो बहुत गहरी है द्वापर काल से मुझ आत्मा के अंदर जमी हुई है। मैं आत्मा बाबा की शक्तिशाली किरणों से ज्वाला स्वरूप किरणों से अपने अंदर व्याप्त अहंकार को नष्ट होते देख रही हूँ। आत्मा पूरी तरह अहम से मुक्त हो रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर और बाहर परमात्म शक्तियों का तेज फैला हुआ है।
मैं निरअहंकारी बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देख रही हूँ, पूरी तरह अहंकार मुक्त। मेरी सतो प्रधान अवस्था मुझे अनुभव हो रही है। मैं इन विकारों से मुक्त कितनी चमक रही हूँ। मुझ आत्मा की चमक आज बहुत सुंदर है। बेदाग हीरा निर्विकारी अवस्था संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज, कोई दाग नहीं। संपूर्ण पवित्र हो चुकी हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे संपूर्ण निर्विकारी मैं मन के नेत्रों से बाबा को और अपने स्वरूप को देख रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है। मैं लाइट माइट से भरपूर हो रही हूँ। बाबा की समीपता मुझे बहुत आनंद दे रही है। अब मैं कुछ पल इसी अवस्था में खो जाती हूँ। बस मैं और मेरा बाबा। मगन रहे प्रभु याद में, प्रभु याद में। Thank you.
करके परमात्म शक्तियों से भरपूर होकर मैं परम धाम से नीचे आ रही हूँ, अपनी लाइट माइट फैलाते हुए। मैं आ जाती हूँ अंतरिक्ष में, प्रवेश करती हूँ पृथ्वी ग्रह पर और अपनी देह में मस्तक के मध्य आकर स्थित हो जाती हूँ। मैं आत्मा स्वयं को देह में भी न्यारा अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण सतो प्रधान मैं आत्मा अपनी देह के अंदर परमात्म शक्तियों को फैला रही हूँ। शरीर के अंदर बाबा की शक्तिशाली किरणें फैल चुकी है। पूरा शरीर इन किरणों से चार्ज, जैसे अंदर एक लाइट जल गई हो और मेरी देह से, मेरे रोम रोम से परमात्म शक्तियां बाहर निकल रही है। मैं इस देह और दुनिया में अवतार हूँ, पवित्रता का अवतार। Thank you.
बाबा तुमको पाकर रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई जीवन की सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में बाबा तेरी यादों में बड़ा सुख मिल